चीजें सिंपल रखें, क्लियर रखें और सबको अपने रोल्स पता होने चाहिए। और वैसे ही इस भी रहेगा कि हम लोग जितना, जैसे लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत इन्जॉय करके घूम रहे थे, सब एक साथ रह रहे थे, तो आई थिंक वैसे ही इस साल भी वैसे ही करेंगे, ट्राई करेंगे कि वही एक एटमोसफेयर क्रिएट करें वहाँ पर, सब एक साथ खेलें, एक दूसरे की सक्सेस को इन्जॉय करें और एक दूसरे को बैक करें। आई थिंक जिन चीज़ों ने हमें लास्ट ईयर रिजल्ट दिए हैं, हम लोग उन चीज़ों को ही वापस चलो पकड़ के रखेंगे, बिकॉज जिस चीज़ से आपको रिजल्ट मिला है और उस चीज़ को हमें वापस कंटिन्यू करना है। और एट द सेम टाइम नो किसी भी प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, बिकॉज यही बेस्ट चीज़ है हमारे दोनों कोचेज़ की कि वो किसी भी प्लेयर के ऊपर एकदम प्रेशर नहीं डालते, उनको बार बार ये नहीं बोलते कि आप इतने अच्छे हो, एवरीडे गो एंड परफॉर्म, बिकॉज सम डेज यू नो चीज़ें इधर उधर होती हैं, बट उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत हमारे लिए यू नो हमेशा रोल प्ले करता है। और अभी भी यू नो वही चीज़ें हम लोग यू नो वी जस्ट ट्राई टू यू नो की रिपीटिंग दोस थिंग्स जो हमें लास्ट ईयर हमें जिन्होंने हमें यू नो आज इस जगह पर लाके खड़ा कि हम लोग आज भी सोच पा रहे हैं कि हमने जैसे लास्ट ईयर ट्रॉफी जीती थी और इस साल भी हम यू नो वी आर लुकिंग एट दैट गोल। Yes. और ये टीम ऐसे है जो एक दूसरे के लिए खेलते हैं, ईच अदर सक्सेस को इंजॉय करके खेलते हैं, तो ये बॉन्ड जो है बहुत स्पेशल बन चुका है मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ मुंबई इंडियंस, इट्स द बॉन्ड, इट्स द मुंबई कल्चर, टेक अस थ्रू दैट, व्हाट इज इट लाइक बीइंग विद दीस गर्ल्स? आई थिंक गर्ल्स के साथ साथ जैसे हमारे साथ हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ इन्वॉल्व होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज यू नो आप जब भी देखो भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टीम बॉन्डिंग, वहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लेयर्स का ही यू नो रोल रहता है, बट यहाँ पर ऐसे रहता है कि ईच एंड एवरी पर्सन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एवरी वन इज इन्वॉल्व, एवरी वन यू नो गेट इक्वल अटेंशन, सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई रियली एंजॉय विद माई फैमिली, बिकॉज यहाँ पर किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं है, कोई एक ही यू नो सुपर स्टार है, यहाँ पर सबके सब सुपर स्टार है, सबके सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वो चीज़ें सबसे अच्छी लगती हैं।